ऑल इंडिया में पूरा फटाखा चालू है, दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, चेन्नई सब जगह चालू है, सिर्फ राजस्थान के अंदर ये लोग बैन कर रहे हैं। तो मतलब प्रदूषण क्या राजस्थान में ही फैलेगा क्या? अब ऐसे में कई व्यापारियों ने माल भी मंगा लिया, अब ऐसे में बिक्री पर रोक लगाना कितना सही? नहीं, माल तो काफी माल आया हुआ है सब जगह, और इन्होंने भंडारण की पूरी जानकारी भी ली है इन्होंने सबसे, मतलब स्टॉक कॉपी मांगी थी इन्होंने और सभी व्यापारियों ने इनको स्टॉक कॉपी दी है और स्टॉक की पूरी जानकारी प्रशासन को दी गई है, उसके बावजूद भी ये बैन लगाने की सोच रहे हैं। और जबकि पूरे इंडिया में कहीं बैन नहीं है, और नहीं इससे सिर्फ फटाका 2 घंटे छूटता है 8 से 10, और इसके अलावा फटाका बिल्कुल चलता भी नहीं है न चलाया जाता है। देखो अस्थाई फटाके पर जो रोक लगाई गई है और सभी ने मतलब पहले ऑर्डर भी बुक करा देते हैं, और जो पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी रोक नहीं है इस तरीके से, सिर्फ राजस्थान में रोक लगाना बिल्कुल अनुचित है। हम राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि अस्थाई फटाखों व्यापार को फिर से लाइसेंस जारी किए जाएँ, जिससे सभी अपना व्यापार कर सकें, और सभी व्यापारियों का, अस्थाई लाइसेंस वालों का, सभी के रोजी रोटी पे निर्भर है व्यापार। एक ये मतलब साल में एक मौका आता है कमाने के लिए, और ये सभी निम्न और मध्यम वर्गीय व्यापारियों को, व्यापारियों के लिए एक आस होती है दीपावली त्यौहार, और उस पर रोक लगाना अनुचित है। सरकार की मार है सर, बिल्कुल। सत्येंद्र जैन सर, ये जो कोविड को देखते हुए इन्होंने रोक लगाई है, तो ये इन्होंने बोला है कि बोले भाई पटाखा ना तो व्यवसाय होगा, ना बिक्री होगी, ना छोड़े जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में व्यापारी काफ़ी असंजमस की स्थिति में है, क्योंकि आज अगर इनको रोक ही लगानी दी थी तो इन्होंने पहले लाइसेंस क्यों निकाले? आज हम जो फुटकर व्यापारी हैं उनकी जाँचें हो गई, सारा काम हो गया, हम लोगों ने माल बुक करा दिया उस हिसाब से, अब ये एंड टाइम पर बोल रहे हैं कि बोले साहब है ना हमने रोक लगा दी है, जबकि पूरे इंडिया में चालू है। और दूसरी, आप राजस्थान का नंबर जो देखिए वो 11वें स्थान पे आता है पूरे भारत देश में कोरोना को लेकर, आज राजस्थान के अंदर रोक लगा दी है, बाकी जितने भी मेट्रो सिटीज हैं, सब जितने भी बड़े सिटीज हैं, सब में खुला हुआ है ये व्यवसाय। अब आप देखिए, अगर गवर्नमेंट खुद का व्यवसाय करने के लिए तो स्वतंत्र है, पेट्रोल डीजल के चल रहे हैं, उनसे रॉयल्टी उनको मिल रही है, वो ठीक है, वहाँ कोरोना नहीं आएगा। वैसे में कितना नुकसान होगा? आप करोड़ों रुपये, अरबों रुपये का नुकसान है, अरबों रुपए का नुकसान है, कितनी लेबर बेरोजगार हो गई, कितने दुकानदार जो इससे आस लगा के बैठते हैं, बोले साहब साल भर सीजनेबल जिनका काम है वो तो परेशान है, बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगे। मेरा नाम संतोष सेन, फटाखा व्यवसायी।